बढ़ते हैं आगे कन्नौज से। समय की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आरोपी के स्कूल पहुंची है फॉरेंसिक टीम। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता जिनके ऊपर नाबालिग से रेप का आरोप लगा हुआ है, अब स्कूल पहुंची है नवाब सिंह यादव के इस पूरे मामले पर फॉरेंसिक की टीम। फॉरेंसिक टीम ने स्कूल से सबूत जुटाए हैं, कमरे से जुटाए गए हैं साक्ष्य। सदर कोतवाली क्षेत्र के नसरापुर स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय का मामला, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। नवाब सिंह से इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन अपनी तरफ से नहीं दिया है। 14 दिन की रिमांड पर नवाब सिंह यादव भेजा जा चुका है। नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप इस शख्स पर है। ये वो वीडियो है जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यही है वो शख्स जो समाजवादी पार्टी का नेता है नवाब सिंह यादव। अब इस पूरे मैटर पर आगे कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम स्कूल पहुंची है जहां से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत ही सख्ती से पेश आ रहा है। 14 दिन के रिमांड पर नवाब सिंह यादव भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर कई और पहलू हैं जिनको खोलने की और खोजने की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। फॉरेंसिक टीम पहुंची है स्कूल में जहां से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लोकेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, ताजा अपडेट दीजिए। नवाब सिंह यादव की जो परेशानियां हैं वो और बढ़ना लाजमी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस समय है, लेकिन फॉरेंसिक टीम स्कूल पहुंची है साक्ष्य जुटाने के लिए। क्या कुछ जानकारी इस मामले पर और मिल रही है? देखिए, आपको बता दें, कल पीड़िता ने जो है पीड़िता को डॉक्टरी के लिए भेजा गया था जहां उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद में पुलिस न्यायालय ने उनको 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया था। फिलहाल इस मामले में पीड़िता द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि नवाब सिंह के द्वारा जो जोर जबरदस्ती उसके साथ की गई थी, छेड़खानी की गई थी, और पीड़िता के डॉक्टरी न कराने के बाद से, बयान न हो पाने के बाद से पुलिस इसमें और सख्त हो गई है और जांच कर रही है। और फॉरेंसिक टीम को वहां इसी साक्ष्य जुटाने के लिए वहां पे कॉलेज के उस जगह भेजा गया जहां पीड़िता लेकर गई थी गिरफ्तारी वाले दिन, जहां पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ यहां पे छेड़खानी हुई है, तो उस जगह पे साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम गई हुई है। ठीक है, नवाब सिंह यादव के मैटर से वैसे तो समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है लोकेश, लेकिन कोई जानकारी, कोई हलचल समाजवादी पार्टी में इस मामले से जुड़ी हुई, कोई रिएक्शन पार्टी की तरफ से आया हो? देखिए, पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। जिलाध्यक्ष ने कल लेटर जारी करके और बयान भी जारी किया, और उन्होंने बताया है कि नवाब सिंह से काफी समय हो गया है, पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, पार्टी ने उनको हटा दिया है, और संबंध में एक पत्र भी जारी किया और बयान भी जिलाध्यक्ष कलीम खान ने जारी किया था। ठीक है, वैसे अगर देखें तो अभी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी हो सकता है यहाँ पर लोकेश, क्योंकि देखिए मोहित खान वाला मामला अभी सुलझा नहीं है कि पार्टी के एक और नेता की इस तरह की खबर धूमिल करेगी पार्टी की छवि को राज्य में। और खासतौर पर आप देखिए कि आगामी उपचुनाव जो है उसको लेकर जहां पर पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जीत का दावा वो कर रही है, लेकिन बार बार इस तरह के मामले पार्टी की छवि को खराब करेंगे ही करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ सही बात है, आरोप जो लग रहे हैं पुलिस जो है इस तरीके के जो आरोप लगे हैं सपा नेता के सब, इसके बाद पार्टी ने किनारा भी किया है इसमें। अब इसमें फिलहाल जांच चली है, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि आखिर क्या है, क्योंकि लड़की ने कल जिस तरीके से पुलिस ने उसको पेश किया, उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था और डॉक्टरी करानी थी, डॉक्टरी करा के पुलिस टीम लेकर गई, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टरी से लड़की ने इनकार कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो पेच फंसते जा रहे हैं, और चीजें जब खुल के सामने तभी आएंगी जब इसमें पूरी प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, सख्ती से जांच की जा रही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो मामला है सिर्फ इतने भर का नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है ये नवाब सिंह यादव एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है जो कि नाबालिग बच्ची है। इस मामले के और बारीकियां जानने के लिए पुलिस जो है हर संभव प्रयास कर रही है और हर बारीकी को खंगालने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी इस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं, तो इस समय की अपडेट आपको दे रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो है इस समय नवाब सिंह यादव के इस मैटर में और जानकारी पाने के लिए आरोपी के स्कूल पहुंची है जहां से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर से पूरा किनारा अपनी तरफ से कर लिया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में, उपचुनाव कहिए या फिर आगामी चुनाव पर आप कहिए, पार्टी पर इस खबर का, इस तरह के मामलों के सामने आने का बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आरोपी के स्कूल पहुंचने के बाद, स्कूल पहुंची फॉरेंसिक टीम के मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। नाबालिग का बयान भी दर्ज कर लिया गया है, की जा रही है, और ये दूसरी तरफ आरोपी के स्कूल पहुंची है फॉरेंसिक टीम
आपको दिख रहे हैं कन्नौज से आ रही हैं तस्वीरें, आरोपी के स्कूल पहुंची है फॉरेंसिक टीम। लोकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लोकेश तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम इस समय भी क्या वहां पर मौजूद है? ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दे दीजिए, या फिर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जो जुटाने थे वो वहां से जुटाए जा चुके हैं टीम की तरफ से? देखिए आपको बता दें, ये सुबह तड़के जो है फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची थी और उसके बाद में लगभग 2 घंटे फॉरेंसिक टीम रही और उसने, चूंकि कॉलेज के खुलने का भी समय था तो कॉलेज खुलने के समय से पहले ही वहां टीम पहुंची थी और उसने साक्ष्य जो लेने थे वो सैंपल कलेक्ट किए हैं, प्रबंधक कक्ष जहां पे वो मौजूद थे उसके बाद लड़की जहाज गेट से पुलिस को लेकर अंदर गई थी और जिस कक्ष में वो बैठे थे उस पूरे रास्ते में जो भी चीजें हैं उन पे वहां के साक्ष्य फॉरेंसिक टीम ने वहां से जुटाए। ठीक है, तो देखिए नवाब सिंह यादव जो कि इस समय पुलिस की गिरफ्त में है उसकी कुंडली तो अब पुलिस खंगाल ही रही है, लेकिन अब वो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जिससे अब ये साफ हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा मामला है, नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर फॉरेंसिक टीम इस समय आरोपी के स्कूल में पहुंची हुई थी। नवाब लोकेश बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में वार पलटवार इस समय हो रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता और कन्नौज के पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी है, समाजवादी पार्टी रेपिस्ट की पार्टी बनकर रह गई है। सुनिए क्या कहना है उनका। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई अराजकता बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएंगे। ऐसा है कि जैसे राहुल जी आए थे और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे तो ये आया था कि लोग देखना चाहते थे उन्हें, और हमारी जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट गई थी उसमें किसी का भी ऐसे लोगों का नाम नहीं था कि जो गलत लोग हों, और हमारी पार्टी के जो अच्छे नेता थे उनके सारे लोगों के नाम थे, उसमें नवाब सिंह का कोई नाम नहीं था। हाँ, ये गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, और जो अन्याय हो रहा है बच्चियों के साथ में उस पर आंख बंद करे ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार ये खामोश बैठी है। के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था, उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि वो तो उप मुख्य मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सके? वहीं आपको बताएंगे इस पूरे मामले पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा के नेताओं से पूछिए कि भाई सपाइया क्यों आ रहे हैं, ये बात तो सपा के लोगों से पूछिए। अब सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर नार्को टेस्ट कर रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ डीएनए टेस्ट कराने तो यहीं उठे करा लें, यहां भी डीएनए टेस्ट करा लें। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को जिला महिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में पीड़िता को अस्पताल से उसके घर पहुंचाया गया है। पीड़िता के घर सुरक्षा में पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से पीड़िता को जिला अस्पताल लाया गया था। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अब पीड़िता को जिला महिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और घर पहुंचाया गया है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। विधानसभा भवन के सामने 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर जो रिहर्सल हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ लोक गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने हैं, दूसरी तरफ परेड जो सलामी दी जानी है उसकी तैयारियां भी, मार्च की तस्वीरें तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने, स्वतंत्रता दिवस जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहने वाले हैं, तो वहीं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष, उसकी जो तैयारियां की गई हैं प्रदेशवासियों की तरफ से, उसकी झलक आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी आज दिखा दी है। बाइक तिरंगा रैली को रवाना किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है 2022 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं।